अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी ईद आने वाली है, सोचा क्यों ना कुछ बड़ी स्पेशल लाया जाए। आज मैं बनाने वाली हूँ मसालेदार तवा कीमा। चले जल्दी से रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। 3 बड़े चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप घी डाल लें, घी अपने हिसाब से डालें। 1/2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जीरे को भुनने के बाद 3 साबुत मिर्चें डालेंगे। आँच आपने अपनी मीडियम ही रखनी है। मैंने हाथ का बना हुआ कीमा इस्तेमाल किया है। ये 1/2 किलो के करीब कीमा है। आप बड़े गोश्त का, छोटे गोश्त का कीमा बना सकती हैं। रेसिपी मेथड आप यही करेंगी तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने ये कीमा खुद घर पे ही बनाया है, ये मशीन से निकला हुआ कीमा नहीं है। यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। ये दोनों चीज़ें मिक्स हैं, इन्हें अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर ले लिए थे, 5 हरी मिर्चें ले ली थी, इन्हें फ्रीली कट कर लिया है, वो इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक चटनी डाली है, आप चाहें तो डालें, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें दही डाली है। दही ने पानी छोड़ दिया है, 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच चाट मसाला डालूंगी। यहाँ पे मैं आपको अपनी रेसिपीज शेयर करने आती हूँ। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच मैंगो पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने एक छोटा चम्मच जो है नमक डाल दिया था। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अगर मेरी रेसिपीज ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने आती हूँ। किसी की भी कोई रेसिपी कॉपी करके हम लोग शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं ये हमारी अपनी मर्ज़ी के होते हैं। हर इंसान का अपना रेसिपी बनाने का तरीका और होता है और हर किसी का टेस्ट भी अलग आता है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को लच्छेदार साइज़ में कट किया था, वो इसमें शामिल कर रहे हैं, इससे काफ़ी अच्छी लुक आती है। 2 चम्मच सिरका डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। यहाँ पे मैंने कोयला गर्म कर लिया था, कोयले की धुनी देंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। कोयले पे थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया है, उसके बाद इसे कवर कर देंगे, 15 मिनट तक के लिए कवर देंगे। यहाँ पे हमारा कीमा भी पक चुका है, इसमें हमने धुनी भी दे ली है। लास्ट में गार्निश कर लें। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, छोटा सा बेल आइकॉन होता है उसे प्रेस किया करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। गार्निश करने के बाद आप सर्व करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं बड़ी ईद से स्पेशल कुछ बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बोलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक।